अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली अतारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अतारी आर्ट्स। ये फ्रेंड्स, आज हम एक नया डिज़ाइन तैयार करेंगे, वो भी एक उसके लिए जो कलर यूज़ करना है। पहले हमने ये बेस लगाई हुई है वाइट कलर की, आयल पेंट है ये, तो इसके साथ ही हम इसको बिल्कुल इस तरह से, ये बिल्कुल मलयम लग रहा है बिल्कुल। और इसके बाद जो है वो हम एक कलर यूज़ करेंगे, वो है ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन, जो कि इसका आई ट्यूब का नंबर है 687। तो इसको हम यूज़ करेंगे, तो हल्का सा इसमें टच देंगे हम पर्पल कलर का, तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त डिज़ाइन तैयार होगा। इस तरह से हमने इसको मिट्टी के तेल में बनाना है। तो इसको हम कपड़े के साथ हल कर लेंगे इस तरह से। इस तरह हमने इसको अप्लाई करना है। मुख्तलिफ जगहों के बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे। इस तरह से उसके बाद जो है वो हम पर्पल कलर का जो हल्का हल्का टच देंगे इसमें, जिसका नंबर है 402 नंबर, तो हल्का सा इसमें हमने एडजस्ट करना है इसको। अपने में मिट्टी का तेल डालेंगे, तो इस तरीके से हमने इसको यूज करना है। ये बहुत ही एक आला किस्म का डिज़ाइन तैयार होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगा। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। जिस कैटेगरी का भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो हमारा चैनल का विज़िट कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे डिज़ाइन इसमें मिलेंगे, और हमारी भी इसमें रहनुमाई हो जाएगी कि हम इसको अच्छे तरीके से और भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं हर वीडियो में ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये इस तरह से तैयार होगा इस तरह से, लेकिन फिर भी मैं कमेंट्स में यही पूछा जाता है कि ये ऑयल पेंट है, इसकी बेस में ऑयल पेंट है, कौन सा है। लेकिन इसमें जस्ट ऑयल पेंट जो है वो ही यूज़ होता है बेस में, ऊपर जो आई ट्यूब जलती है, यही तो इसके दो फार्मूले हैं। इसके साथ आप जिस तरह का भी डिज़ाइन चाहेंगे वो बना सकते हैं, लेकिन जो इसकी सीलिंग के लिए जो हम डिज़ाइन तैयार करना होता है वो हमारा होता है कि उसमें जो वाल पट्टी का यूज़ करना ज़रूरी है, और जो हमारी है दीवार पर बनाना उसमें, बल्कि वाल दीवार पे जो है उस पर वाल पट्टी ज़रूरी होती है, और जो सीलिंग है उस पर सिर्फ और सिर्फ उसकी जो रेगमाल के साथ अच्छी तरह से रगड़ाई करना ज़रूरी होता है। तो ये दो चीज़ें हमने बिल्कुल जहन में रखनी है, और इसमें और कोई इशू वाली बात नहीं होती, और ना ही ये इतना मुश्किल है, बहुत आप इजी और आसान तरीके से घर में आप खुद भी तैयार कर सकते हैं इसको। तो ये हमारी जो बेस थी इसको हमने अप्लाई कर लिया है, तो अब हम इसको डिज़ाइन की तरफ लाएंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से करने से जो हमारा कलर का कमोबेश होती है वो बिल्कुल पूरी हो जाती है, उसमें बिल्कुल जो एग्जैक्टली हमारा बेस का कलर वो अच्छे तरीके से हल हो जाता है, और इसमें जो खुश्की वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर लिया, तो अब हम इसको जो है वो फुटबॉल की मदद से हमने इसको डिज़ाइन बनाएंगे, तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त डिज़ाइन होगा। तो
तो वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, क्योंकि हमारा हर डिज़ाइन जो होता है वो बेशक फार्मूला उसका एक ही होता है, लेकिन उसमें डिज़ाइन की रद्दबदल हर जगह पे होती है। ये देखिए आप इस तरह से इसको अप्लाई करते जाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा ये होगा इसको फुटबॉल को अप्लाई करने का, और उसके आगे वाला जो स्टेप है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, आपको दिखाते हैं। जी एक बार जो है वो हमने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसको पूरी शीट पे अप्लाई कर लेना है। हमारी जो अपना हमारी सतह होगी, अगर दीवार पे बनाएंगे तो उस पर हमने ये छोटी सतह पे इसको यूज़ करना है, उसमें बिग साइज़ नहीं रखना इसको। ये हमारा दूसरा स्टेप शुरू हो गया, तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा इस पर जो टच लगाना होता है वो फुटबॉल के साथ हम लगाते जाएंगे। हमारा जो भी डिज़ाइन होगा इंशाल्लाह सब तकरीबन सब डिज़ाइन से ये डिसेंट सा होगा। वैसे तो जो भी हमारे बहुत सारे असातज़ा कराम इस तरह से माशाल्लाह बहुत आला से आला हैं, लेकिन जो एक नाचीज़ को जितना आता है वो इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा, और कोशिश भी ज़रूर करूंगा कि आप तक जितना हो सके इजी से इजी करने की इसको कोशिश करूंगा। और आप भी हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। तो इस तरह से हमें इसका दूसरा स्टेप जो है ये हम क्रिएट करते चलेंगे। इस तरह से हमने इसको मुकम्मल तौर पे ये कर लेना है। ये मल्टी शेड में भी आ जाएगा। इसको हम लाइट थोड़ा सा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, इसको डार्क मज़ीद बढ़ाना चाहें तो वो भी, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं, जो कलर की कोई पाबंदी नहीं होती इसमें, लेकिन कम्बिनेशन का जो खास ख्याल रखना होता है वो ज़रूरी है। बाकी कलर जो सा भी आपको पसंद हो वो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब हमने ये देखें ये थोड़ा सा कर लिया, और इसके बाद जो है वो थोड़ा सा पर्पल कलर जो हम इस फुटबॉल पे लगाएंगे, और इस तरह से इसको तरीका वो भी चलाना है, लेकिन जो इसका थोड़ा सा कलर मल्टी में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए कितना ये ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।